नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। आपदा के लिहाज से काफी संवेदनशील राज्य उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में अवैध खनन का कारोबार बेखौफ फल फूल रहा है। जानकारी के मुताबिक अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा के दौलाघट क्षेत्र में विकास के नाम पर दौलाघट कोसी नदी में अवैध खनन जोरों पर है, जबकि प्रशासन को मामले की जानकारी तक नहीं। ऐसे में अवैध खनन से नदी कटान और आपदा के खतरे को देखते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। गाड़ी रोक रोक। सोमेश्वर विधानसभा के दौलाघट क्षेत्र में दूरस्थ गुरना गांव को सड़क से जोड़ने का काम जोरों पर है। बता दें कि गुरना दौलाघट सड़क निर्माण के लिए दौलाघट कोसी नदी से पत्थर, रोड़ी और रेता अवैध ढंग से निकाला जा रहा है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण के लिए ठेकेदार ने नदी को खोखला कर दिया है। वहीं दौलाघट गुरना सड़क निर्माण के लिए नदी से पत्थर, रेता और बजरी का खनन किया जा रहा है। ऐसे में सड़क निर्माण के लिए नदी में ब्लास्ट कर मजबूत चट्टान को तोड़ा जा रहा है। वहीं ठेकेदार जेसीबी और ट्रैक्टर से अवैध ढंग से पत्थर निकालकर सड़क निर्माण कर रहे हैं। इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि अवैध खनन से नदी खोखली हो गई है, जिससे कभी भी आपदा आने पर बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य राहुल खोलिया ने मामले में कार्रवाई की मांग उठाई है, साथ ही अवैध खनन नहीं थमने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। ये दौलाघट से गुरना को जो लिंक ये रोड बन रही है, तो इसमें हमारे यहाँ के लोकल के बच्चे बच्चे आते हैं इधर घूमने, तो उन्होंने बताया कि यार यहाँ पर खनन हो रहा है, यहाँ कारतूस फूट रहे हैं। इधर हमारे इधर देखने तो यहाँ देखा हमने नीचे नदी में, यहाँ सारे पत्थर निकाल रखे हैं, बिल्कुल पत्थर फोड़ रखे हैं इधर। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ जेसीबी लगी थी अभी भी, उसके बाद तो आपको सूचना दी गई यहाँ से। फिर इसका हमने सोशल मीडिया में डाला था, कोई एक्शन कुछ नहीं हुआ कहीं से। दौलाघट और गुन्ना की मोटरमार्ग जो लिंक हो रहा है, वहाँ के ठेकेदारों द्वारा यहाँ पर अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। खनन में आपके मैं पूरी तरह से, जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो खनन में पूरी तरह से यहाँ से पूरे पत्थर निकाले गए हैं और तमाम रेता बजरी यहाँ से बांटी जा रही है। तो इस तरह से यहाँ पर अवैध रूप से काम हो रहे हैं, तो इन कामों के खिलाफ हम पुरजोर यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। वहीं मामले में अल्मोड़ा के डीएम वंदना सिंह ने अवैध खनन का संज्ञान लेते हुए मामले पर जांच टीम बैठा दी है। इस दौरान डीएम ने कहा कि मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही डीएम ने सड़क निर्माण करा रहे संबंधित विभाग से स्पष्टीकरण की भी मांग की है। अभी ये शिकायत मेरे संज्ञान में आप लोगों के द्वारा बताई गई है। मैं इसमें एक जांच टीम गठित करके एक विस्तृत जांच करा लेती हूँ। यदि अवैध खनन का मामला है तो दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, साथ ही संबंधित विभाग जो रोड निर्माण कार्य करा रहे हैं उनसे भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।